नगर चौराहे पर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर प्रगामी पर श्री 1008 कथा व्यास श्री बागेश्वर धाम सरकार की कथा का आयोजन आगामी 22 जून से शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर मंदिर आयोजन समिति ने रूपरेखा बनाई, जिसके तहत सबको अपने कार्य बांटे गए और अधिकारियों ने भी भव्य आयोजन का निरीक्षण किया। भोजन व्यवस्था की गुरु महाराज ने दी आज्ञा, उसमें जो भी अभी आए नलनी सेना के सभी सदस्य खड़े हो जाए। योगदान करना है या जिसको श्रम दान करना है, वो लोग हमारी टीम में आके अपना श्रम दे सकते हैं, लोगों की व्यवस्थाएं दे सकते हैं और किसी को। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हमारी जो सेना है सीताराम सेना, हम लोग है तो भोजन की व्यवस्थाओं को लेकर आपकी रूपरेखा तैयारियां हो चुकी है? हमारी तैयारी है, आप और जो 4000 लोगों की व्यवस्था है हमारी बहुत होती है। एक बार अरविंद भाई निकले 2000 का बाकी उस दाम भक्तमंडल कथा का संयोजक यहाँ पर भक्तमाल कथा अयोध्या नगर पंचमुखी दुर्गा सिद्ध हनुमान मंदिर पर होने जा रही है। दिनांक 22 जून से 26 जून स्वयं 4 बजे से 7 बजे तक भक्तमाल कथा का आयोजन रहेगा एवं दिव्य दरबार 23 जून एवं 24 जून को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इसमें हमारी बागेश्वर सरकार की कथा में मुख्य पंचमुखी दुर्ग सिद्ध हनुमान मंदिर के पूरी समिति, आदरणीय पंडित केशव शास्त्री जी, सचिन श्रीवास्तव जी, दिनेश साहू जी, ऋषिकांत तिवारी जी, अमन शर्मा जी, संजय गुप्ता जी, संजय मुदगन जी, दिनेश साहू जी बोल दिया मैंने जो है, और बाकी ओम सुरेश विश्वकर्मा जी, ओम विश्वकर्मा जी, नगीन राजपूत जी, हमारे ओम राजपूत जी और सभी सेनाओं के सेना प्रमुख एवं भारी तादाद में लोग यहाँ पर एकत्रित होकर इस भक्तमाल कथा में भरपूर सहयोग कर रहे हैं और साथ साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की रूपरेखा में तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ बोले जय जय पंचमुखी सरकार की। बड़े सौभाग्य की बात है कि बागेश्वर धाम बालाजी सरकार ने जो आयोजन करने का अवसर पंचमुखी हनुमान दुर्गा मंदिर समिति को दिया है और समिति के साथ साथ भोपाल की जनता और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका भी खूब भरपूर सहयोग मिल रहा है। और इसमें हमारी जो मंदिर की समिति है उन्होंने 16 टोलियां अलग अलग प्रकार की बनाई हैं, जिससे कि हर टोली को हर एक कार्य सौंपा गया है और अपने कार्य के निर्विघ्न कार्य सम्पन्न कराने के लिए टोलियाँ बनाई गई हैं। इसमें महिलाओं की टोली भी बनी है, माँ सीता जी के नाम से उनकी टोली अलग अलग बनाई गई, उनको कार्यभार अलग सौंपा गया है। ऐसे हमारे मंदिर समिति के निर्णय हैं और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोग तन मन धन से भरपूर सहयोग कर रहे हैं और यह आयोजन मंदिर समिति का तो है ही है लेकिन पूरे क्षेत्रवासियों का और पूरे भोपाल वासियों का है। इसमें तन मन धन से सभी लोग सम्पन्न करा रहे हैं। सहयोग जय श्री जय सियाराम। हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा ही गौरव और ऐतिहासिक कार्य बागेश्वर धाम जी की भक्तमाल कथा का जो वेड़ापति हनुमान दुर्गा मंदिर अयोध्या नगर चौराहे पर किया जा रहा है, ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़े ही हर्ष का और गौरव में ऐतिहासिक काम है। इससे हमारे क्षेत्र में भोपाल में और मध्य प्रदेश में हमारे अयोध्या नगर और दुर्गा मंदिर पंचमुखी हनुमान मंदिर का जो स्थान चिन्हित किया गया है और इसमें जो सभी टोलियां बनाकर जैसा भी पंडित जी ने बताया काम कर रहे हैं, मैं भगवान श्री हनुमान जी महाराज से श्री रामचंद्र जी महाराज से ये प्रार्थना और कामना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे और ये भव्य कार्यक्रम हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही सुंदर और गरिमा में पूर्ण हो, ऐसी मैं कामना माँ भवानी से भी करता हूँ। और आप सभी का योगदान और सहयोग जो मंदिर समिति को प्राप्त हो रहा है इसके लिए भी
हम क्षेत्रवासी सभी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सभी योगदान दें, ऐसा मैं विश्वास और आशा रखता हूँ। बोलिए जय श्री राम।